कॉन्करर्स, कैसे आप सब लोग। मैं शुभ दोलकिया कॉन्करर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को हम कैसे बना सकते हैं, राइट गाइस? क्योंकि यार आज तक हम जो फॉर्म बनाते थे, जो फॉर्म क्रिएट करते थे, उसमें हमें हाफ एन आवर टू वन आवर लगता था। पर जब से ये गूगल फॉर्म्स आ गए, तब से यार उसने हमारा जो काम है वो बहुत ही ईजी कर दिया। इससे आप 10 टू 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, राइट गाइस? और आज जो मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा शायद ही आपको यूट्यूब पे या दूसरी जगह पे कहीं पे मिलेगी, क्योंकि यार आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा यार, आप कैसे अलग अलग चीज को यूज करके कैसे आप अपना फॉर्म क्रिएटिव और बहुत अच्छा बना सकते हैं, राइट गाइस? तो वीडियो देखते रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप डायरेक्टली अपना गूगल स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना ब्राउजर स्टार्ट करके गूगल पर चले जाइए। गूगल पे डायरेक्टली आपको लिखना है गूगल फॉर्म्स या फिर गूगल फॉर्म। आप पीछे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको ऊपर ही वेबसाइट दिख जाएगी गूगल फॉर्म्स की, तो आप उस पे चले जाइए। उस पे जाने के बाद आपको यहीं पे दिख जाएगा गो टू गूगल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म्स। तो गो टू गूगल फॉर्म्स पे आप क्लिक कर लीजिए और डायरेक्टली आपके सामने जो वेबसाइट खुल जाएगी उस पे आप अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो गाइस, आपको यहीं पे थोड़े से टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिस टेम्पलेट पे आपको बने बनाए फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, राइट? तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी हम जाते हैं और अपना पर्सनलाइज फॉर्म बना लेते हैं, राइट? तो आपको ब्लैंक पे क्लिक कर लेना है और अपना पर्सनलाइज फॉर्म बनाना है। तो अभी हमने कर दिया ब्लैंक पर क्लिक और चलते अंदर और देखते हैं कि हमें कैसे फॉर्म बनाना है। सो गाइस, डायरेक्टली हम आ गए अभी गूगल फॉर्म पे और अभी हम करेंगे अपना पर्सनलाइज फॉर्म क्रिएट, राइट? तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म, मतलब इसका कोई टाइटल अभी तक हमने नहीं दिया है। तो उसका हम डायरेक्टली टाइटल दे देते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, तो वो फॉर्म की जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम दे देते हैं, राइट? तो अभी हम कोई भी एक रैंडम फॉर्म बना रहे हैं, बट आपको जैसे भी करना है आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ ऑनगोइंग कोर्स रिव्यू, जो टाइटल था मेरा, राइट? तो कोई भी कोर्स का जो हम रिव्यू लेने वाले स्टूडेंट के पास से, उसका हमने टाइटल दे दिया। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे मैंने लिख लिया हेलो स्टूडेंट्स। उसके नीचे मैंने वो भी दिखा दिया कि आप बहुत सारा, मतलब जितना आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, इसकी कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं है, राइट? तो मैंने एंटर करके दिखा दिया, बहुत नीचे तक आप जा सकते हैं, तो बहुत आसान है ये चीज यूज करना, राइट? और अगर आपको इसके बाद फिर से कहीं पे बीच में आपको डालना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो आप वो भी कर सकते हैं। साइड में मैंने क्लिक करके आपको दिखा दिया कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दिया हुआ है, तो उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो आपको नीचे भी वैसा ही एक मिल जाएगा, राइट? तो आप वैसे दूसरा ही क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली इसमें स्टूडेंट पहले अपना नेम डालेगा, तो यहाँ पे जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है उसको हम चेंज करके वहाँ पे पहले जो उसका हेडिंग है उसमें लिख लेते हैं नेम। तो नेम मैंने जैसे ही लिखा, आप देख सकते हैं कि गूगल ने अपने आप ही वहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस आंसर था उसकी जगह पे शॉर्ट आंसर टाइप डाल दिया, वो उसने डिफॉल्ट मतलब मैजिकली कर दिया। तो यार ये थोड़े से चेंजेस को अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एआई और मशीन लर्निंग बेस्ड है, तो वो अपने आप ही थोड़ा सा चेंज कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली शॉर्ट आंसर टाइप कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि यार यहाँ पे नीचे एक बटन दिया हुआ है रिक्वायर्ड एंड नॉन रिक्वायर्ड। जब हम लोग कोई एक फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि यार कोई कोई प्लेसेस पे कोई कोई फील्ड को हमें रिक्वायर्ड मतलब स्टार की साइन दिखाई देती है, राइट? क्योंकि उसको हमें कंपलसरी फिल करना होता है, राइट? तो वो हम इसमें कैसे करें? तो इसके लिए आपको सिर्फ ये बटन ऑन कर देना है, इसके बाद ये जो भी फील्ड होगी वो रिक्वायर्ड हो जाएगी और उसके बिना कोई भी ये फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसको हम अभी रिक्वायर्ड कर देते हैं, क्योंकि नेम तो हमें पता चलना चाहिए कि यार कौन सा जो स्टूडेंट है उसने फॉर्म फिलअप किया है, तो इसको हम रिक्वायर्ड में डाल देते हैं, राइट? सो गाइस, इसके साथ साथ अगर आपका जो नेक्स्ट फील्ड होगा उसको भी आपको ऐसे ही मतलब ऐसे ही टाइटल और आंसर डलवाना है अपने जो फॉर्म फिलर है उनके पास से, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट की जो साइन दिख रही है, जो कॉपी की साइन दिख रही है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके जैसी एक फील्ड नीचे आ जाएगी। अभी मुझे ऐसी फील्ड नहीं बनानी, आपको दूसरा भी सिखाना है, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके साइड में एक बार दिया हुआ है उस पर आपको ऊपर प्लस की साइन दिख जाएगी। प्लस की साइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे एक दूसरी फील्ड ओपन हो गई। उस फील्ड में मैंने टाइटल में डाला विच कोर्स। जैसे ही मैंने डाला उसके नीचे मुझे मिल रहा है मल्टीपल चॉइस आंसर, तो मल्टीपल चॉइस बी में कर सकता हूँ। और अभी मैं आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाता हूँ कि आप ड्रॉप डाउन कैसे अपना क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए भी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, तो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है उस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मैं क्लिक करूंगा और उस पर क्लिक करते ही मैं ड्रॉप डाउन बॉक्स पे सिलेक्ट कर लूंगा। ड्रॉप डाउन पे मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे कि यार एड फर्स्ट आइटम, उसमें मैं बहुत सारी अलग अलग आइटम्स भी डाल सकता हूँ। उसके नीचे आपको लिखा है एड मोर, तो ऐसे करके आप दूसरी अलग अलग बहुत सारे आइटम्स एड कर सकते हैं। तो पहले मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, उसके बाद लिखा लैंग्वेज, उसके बाद लिखा C++। यार इसमें वो जो अपने जो फॉर्म फिलर्स होंगे वो इसमें अपना जो कोर्स होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइस, अभी एक और चीज देख लेते हैं कि जो ये इतना हमने फॉर्म बनाया उसको हम प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके आगे भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट उसके पहले एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं कि अपना जो फॉर्म है वो कैसा लग रहा है, तो आगे हमें पता चले कि यार हम कैसे आगे हमारा फॉर्म लगने वाला है, राइट? तो ऊपर आपको एक आई का सिंबल दिख जाएगा, जब आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे उसको आई बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आई पे क्लिक करेंगे आपको पूरा जो फॉर्म होगा उसकी अलग से एक लिंक खुल जाएगी और आप वहाँ पे पूरा फॉर्म देख सकते हैं। सो गाइस, अब हम आगे इस पेज पे जहाँ पे हम प्रीव्यू कर सकते हैं, राइट? तो पहले मैंने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखा दिया कि ड्रॉप डाउन ऐसा बना हुआ है, राइट? अब ऊपर आ जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड
यहाँ पे सबसे ऊपर मतलब जो डिस्क्रिप्शन थी फॉर्म की उसके नीचे लिखा हुआ है स्टार रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस फील्ड पे ये स्टार सिंबल होगा वो फील्ड 100% रिक्वायर्ड होगी, राइट। सो गाइस अभी हमने अपना जो फॉर्म है वो प्रीव्यू कर लिया है, राइट। तो फिर से उस पेज पे चलते हैं जहां हम अपना फॉर्म बना रहे थे। वहां पे जाते ही जो हमने जिस बार पे एड क्वेश्चन का बटन देखा था उसके नीचे आपको दिख जाएगा इम्पोर्ट अ क्वेश्चन, राइट। तो इम्पोर्ट अ क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, उससे क्या कर सकते आप कि आपने अगर इसके पहले भी कोई फॉर्म बनाया हुआ है तो आप उसमें से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन को उठा के इसमें रख सकते हैं, राइट। तो इसके बाद हम न्यू क्वेश्चन को ऐड करते हैं और उसमें लिखते हैं हु इज योर मेंटर, तो उसमें वो अपना मेंटर का नेम डालना चाहेगा। तो जैसे हमने न्यू क्वेश्चन क्रिएट किया तो वहां पे हमें मल्टीपल चॉइस का जो ऑप्शन था वो मिल रहा था, बट जैसे ही मैंने लिखा हु इज योर मेंटर तो वहां पे शॉर्ट आंसर टाइप आ गया, तो डायरेक्टली वो अपने जो मेंटर होंगे उनका नेम यहाँ पे डाल पाएगा। इवन हम इसके लिए ड्रॉप बॉक्स भी डाल सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, राइट। ऐसे ही आप अलग अलग जो फीचर्स है उसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कोई भी एक इमेज को ऐड करना है या फिर वीडियो को ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको साइड का जो बार है उस पे आपको दिख रहा है इमेज का एक ऑप्शन और एक वीडियो का ऑप्शन, तो आपको जो भी ऐड करना है वो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्लिक किया एक इमेज पे, तो जहां से भी आपकी जो इमेज है वो अपलोड करनी है आप वहां से कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइव पे भी जा सकते हैं, अगर आपके पीसी में से ही ब्राउज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आपको वीडियो ऐड करना है तो उसके लिए आपको अपना वीडियो है उसको यूट्यूब पे या फिर अपनी ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी जो लिंक जनरेट हो उस लिंक को आपको यहाँ पे डायरेक्टली डाल देना, तो आप डायरेक्टली कोई भी वीडियो भी ऐड करवाएंगे, राइट। तो बहुत अच्छी चीज है कि आप अपना जो इमेज या फिर कोई भी वीडियो है उसको ऐड कर पाए, राइट। इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि आप दूसरा सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यार कई बार हमें गूगल फॉर्म्स को यूज करके कोई क्विज भी बनानी होती है, राइट। तो उस क्विज को हम कैसे बना सकते हैं, तो अभी मैं पूरी क्विज बनाना तो आपको नहीं सिखाऊंगा, और अगर आपको क्विज बनाना सीखना है तो यार कुछ भी मत करना, आप डायरेक्टली हमारी जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर एक बार लिख दीजिए कि वी वांट टू लर्न हाउ टू मेक क्विज इन गूगल फॉर्म या फिर क्विज यूजिंग गूगल फॉर्म, तो आपके लिए मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। और अगर ये सभी चीजें आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे देना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहीं पे नहीं जाना है, डायरेक्टली यहीं पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा लास्ट 20 सेकंड्स पे, तो उस पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, राइट। इसके आगे देखते हैं, तो हमने ये सेक्शन जैसे ही ऐड किया तो डायरेक्टली नीचे एक न्यू सेक्शन क्रिएट हो गया। तो इससे क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसे करके क्रिएट कर दिया। तो अगर आपने कोई क्विज क्रिएट किया तो आप ऊपर एमसीक्यूज रख सकते हैं और नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रख सकते हैं, तो ऐसे करके आप अलग अपनी खुद की क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और इससे कह सकते हैं कि यार गूगल हमें बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड करने लगा आजकल, राइट। और इसके साथ साथ गाइस अगर आपको नहीं पता है कि आप गूगल पे डायरेक्टली आपको जो चाहिए वो चीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी का नंबर या फिर कोई पीडीएफ इवन बनी बनाई प्रेजेंटेशन कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ऊपर एक लिंक दिख रही होगी आई बटन पे, तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट गाइस। सो फिर से हम एड अ क्वेश्चन पे जाते हैं और एक न्यू क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइस वाला एक क्वेश्चन मिला, तो जैसे मैंने लिखा डेट व्हेन यू स्टार्टेड द कोर्स, राइट। तो फिर से गूगल की सिस्टम ने इसमें जो डेट का ऑप्शन है वो डाल दिया, तो हमारी जो काम है वो थोड़ा सा वो इजी करते रहा, राइट। इवन अगर आपको डेट का जो ऑप्शन है वो ना आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली उसके बाजू में जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर क्लिक करके डेट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन इसके बाद हम दूसरा बॉक्स बना लेते हैं जिसमें स्टूडेंट को टाइम डालना है, तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं है, हमने फिर से कैड क्वेश्चन किया और यहाँ पे आ गया न्यू क्वेश्चन, तो उसमें भी हमें डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, बट इसमें यहाँ पे मैं जैसा ऐड करूंगा योर लेक्चर टाइमिंग जो मैं एडिंग दे रहा हूँ, तो उसके बाद गूगल का मैजिक नहीं चला, क्योंकि यार मैंने लिखा है टाइमिंग्स, अगर टाइम लिखता तो टाइम का ऑप्शन आ जाता, बट मैंने लिखा है टाइमिंग्स, तो इसके लिए कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है यार, आपको साइड में यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो उस पर क्लिक करिए और टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरी कोई भी चीज नहीं है इसमें, राइट। तो अब ये टाइम का सेक्शन खत्म होने के बाद हम दूसरा न्यू क्वेश्चन ऐड करते हैं, यू हैव एनी डाउट, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो डायरेक्टली अपने टीचर को ये डाउट सेंड कर सकता है, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, शायद कोई पीडीएफ में से डाउट हो या फिर कोई फोटो उनको भेजनी हो, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करके अपलोड फाइल पे जाना है, अपलोड फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो फॉर्म फिलर होंगे वो आपकी ड्राइव में ये फाइल सेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको कंटिन्यू दे देना है, नीचे जो कंटिन्यू लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़े से ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से एक होगा कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फाइल, तो यार आप कितनी फाइल आपके जो स्टूडेंट है आपके जो फॉर्म फिलर है उनको आप कितनी फाइल अपलोड करने देना चाहते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 1 up to 5 up to 10, तो आपको जितनी भी अपलोड करने देना है वो आप अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे 1 ही रखता हूँ। उसके नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम फाइल साइज, तो फाइल की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं उसको 10 MB ही रहने देता हूँ, राइट। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे मैंने अगर 10 GB को सिलेक्ट किया तो वो 10 GB को सिलेक्ट नहीं होने दे रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वैसे इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम कोई भी एक साइज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 MB, राइट। तो 10 MB को सिलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ एनी स्पेसिफिक फाइल्स,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सिर्फ जेपीजी ही उनको अपलोड करने देना चाहते हैं, अगर आप कोई पीडीएफ या फिर कोई एक्सेल की फाइल या फिर कोई डॉक्स आप जो भी उनको अलाउ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने इसको ऑफ रखा तो कोई भी फाइल अपनी तरफ से अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, राइट। सो गाइस, अभी हमने अपना जो फॉर्म है वो प्रिपेयर कर लिया है, तो डायरेक्टली प्रीव्यू पे चलते हैं। प्रीव्यू पे जाते ही आपको यहाँ पे अकाउंट दिख रहा होगा, तो ये अकाउंट किसका है? जो फॉर्म फिलर होगा उसका अकाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। आपका अकाउंट नहीं दिखेगा, जो फॉर्म फिलर होगा उसका अकाउंट दिखेगा, राइट। इसके बाद मैं पूरा आपको फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। एंड इवन गाइस, मैं यहाँ पे जो मेरी डेट है उसको इनकम्प्लीट रखूंगा, तो आप देखेंगे कि इसमें एक एरर आएगी, राइट। तो एरर कैसी आएगी वो भी हम देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने डेट को ऐसे ही रखा है, बाकी सब कुछ फिलअप कर लिया, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि आप अपलोड कैसे कर सकते हैं किसी फाइल को, डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट करने की ट्राई की। जैसे मैं ट्राई करूंगा ये सबमिट नहीं होगा, और ऊपर आपको दिख रहा है कि दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। दिस इज अ रिक्वायर्ड फील्ड क्यों आया? क्योंकि मैंने उस पे रिक्वायर्ड का जो बटन था वो ऑन किया था, राइट। तो मैं फिर से डेट अच्छे से डाल देता हूँ, और इसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाऊंगा, तो सेक्शन ए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी, उसके बाद डायरेक्टली सबमिट। सो गाइस, अभी स्टेप को मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से अपने प्रीवियस स्टेप में चला जाता हूँ, जहाँ पे हमने जो पूरा फॉर्म है वो बनाया था, राइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सेस, और उसके बाजू में दिख रहा है वन। तो ये वन किस बात का है? कि हमें एक रिस्पॉन्स आया है, अभी तो मेरा फॉर्म बनाया नहीं, किसने रिस्पॉन्स भेज दिया भाई? तो चलिए उस रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं। तो नेम आ गया शुभ दौलतिया, क्योंकि हमने अभी सेंड किया था, राइट। तो यहाँ पे नेम आ गया मेरा, उसके बाद आ गया विच कोर्स, तो वहाँ पे दिखा रहा है रेड कलर। रेड कलर किसका था? सी लैंग्वेज का। उसके बाजू में आपको दिखा रहा है रेड कलर, राइट। तो उससे आपको पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि वो सिर्फ सी लैंग्वेज सीख रहा है, राइट। उसके बाद हमने डाला था अपना मेंटर का नेम, डेट, टाइम, और कोई भी फाइल अपलोड की थी नहीं, राइट। तो ये पूरा फॉर्म हमें डायरेक्टली अभी मिल गया। अगर हमने ये सभी टैब क्लोज कर दिया और उसके बाद किसी ने हमें सेंड किया तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है। हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि नीचे रिसेंट टैब लिखा हुआ था, जब हम मेन मेन्यू में थे जहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स दिख रहे थे, वहाँ पे लिखा हुआ था रिसेंट फॉर्म। तो उस रिसेंट फॉर्म में से हमने जो भी फॉर्म बनाया हुआ हो उस पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना, और वहाँ पे आप उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, राइट गाइस। अब एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपके जो फॉर्म फिलर होंगे उनका थोड़ा सा आपके फॉर्म फिल करने में भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हम उस स्टेप पे आ जाते हैं जिसमें हम अपना जो फॉर्म था वो बना रहे थे, राइट। तो ऊपर क्वेश्चन स्टेप में आ गए, जो रिस्पॉन्स इसके राइट साइड में था। जैसे हम उस स्टेप पे आएंगे आपको ऊपर एक दिख रहा होगा कस्टमाइज थीम, तो हम डायरेक्टली उस पे क्लिक कर देते हैं, तो आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। तो आप जैसे अलग अलग कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कलर की थीम दिखाई देगी, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ साथ आप अलग अलग इमेजेस भी चूज कर सकते हैं, जो इमेज आपको ऊपर दिखाई देगी, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमने एक इमेज को ऐड कर लिया है, और इमेज जैसे ही ऐड होगी उसका यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यार ये जो इमेज हमने ऐड किया है उसका जो मैचिंग कलर होगा, उससे जो कलर मैच हो रहा होगा वो कलर डायरेक्टली बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो यार ये बहुत ही अच्छी चीज है, और यहाँ पे साइड में भी आपको थोड़े से ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अलग अलग कलर को ट्राई कर सकते हैं, और तो भी अगर आपका मन ना भरे तो आप प्लस पे क्लिक करके आपका जो भी फेवरेट कलर हो उसको आप ऐड कर दीजिए, राइट। ये बहुत ही अच्छी चीज, और आप कस्टमाइज कर सकते हैं सभी चीज को, राइट। सभी चीज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्म बनेगा आपका, राइट। तो गाइस, अब आपको ऊपर दिख रहा है सेंड का बटन, तो आप सेंड के बटन पर क्लिक करके आप ये फॉर्म को किसी को ईमेल कर सकते हैं। साथ में उसके बाजू में ही आपको एक दूसरा टैब मिल जाएगा, जिससे आप फॉर्म की लिंक को आप डायरेक्टली कॉपी करके आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं किसी को। सो गाइस, अभी जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेटिंग्स। जो ये सेटिंग्स है उसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने जो फॉर्म फिलर होंगे उनको आप पहले के जो प्रीवियस रिस्पॉन्सेज है वो भी दिखा सकते हैं। तो एक बार ये सभी चीजें पढ़ लेना, और लास्ट में आपको दिया गया होगा मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइल अपलोडेड, इसमें 1 GB को सेट किया गया, इसीलिए हम नीचे 10 GB को सेट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर 10 GB सेट कर देते हैं तो नीचे आप 10 GB इजीली सेट कर पाएंगे। अगर आप इसमें 100 GB सेट करते हैं तो 100 भी आप नीचे सेट कर पाएंगे। तो आपको पहले इसमें चेंज करना होगा और उसके बाद नीचे चेंज करना होगा। और अगर आपको 1 GB तक की जरूरत है तो आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए और डायरेक्टली नीचे ही आप अपने आप सेट कर लीजिए, राइट। तो बहुत अच्छी चीज हो गई। तो गाइस, अगर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना। एंड गाइस, ये लास्ट 20 सेकंड्स है वीडियो की, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस टाइम, सी यू गाइस।